एयर बैग और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस लोगों को देख के समझ जाना कि मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, वो आपको एडजस्ट करना है तो और पैसे देने पड़ेंगे। एवरीवन वेलकम टू द न्यू वीडियो, स्वागत है भाई आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में भाई अपने सामने है द ऑल न्यू अपडेटेड टाटा पंच। तो पंच का ये जो वेरियंट है ना, ये अपना एकॉम्प्लिश प्लस वाला वेरियंट है, जिसकी अगर ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना तो 9 लाख कुछ आपको 23,000 के आसपास ये गाड़ी देखने को मिलेगी। गाड़ी में भाई क्या क्या फीचर दिया गया, क्या क्या इसमें भाई चेंजेस किए गए, सबके बारे में आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो पहले चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलरली मैं पोस्ट करता हूं, आपको हर डेज कोई ना कोई नया वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे देख सकते हो, अगर बात की जाए इसके कीज की ना, तो कुछ ऐसा आपको इसमें कीज मिलने वाला है, टाटा का लॉक अनलॉक, और ये आपका लैंप के लिए मिल जाता है, मतलब लाइट्स के लिए मिल जाता है। तो यहां से देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, अपनी जो DRL ना वो ऑन हो जाती है। इसका मतलब है भाई फ्रंट में आपको इसमें DRL मिलते हैं, और यहां पे आपको यहां पे दिया गया जो हेडलाइट के जो सेटअप है ना, एक आपको मिल जाता है भाई आपका प्रोजेक्टर, और दूसरा आपका मिल जाता है रिफ्लेक्टर, लेकिन दोनों हैलोजन दिए गए। साथ ही में नीचे के साइड आपको यहाँ पे फॉग लाइट देखने को मिल जाती है। DRL आपको यहाँ पे LED में दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर के सेटअप देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने हैलोजन में है। तो क्रोम की ये जो डिजाइन है ना, वो देखने में काफी अच्छी लग रही है, मतलब क्रोम का जो पूरा पार्ट है ना, काफी अच्छा लग रहा है। टाटा का आपको बड़ा सा लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ग्रिल की अगर बात की है तो यहाँ पे आपको हॉर्न देख रहे हो ना, ये हॉर्न के लिए दिया गया। बाकी कुछ ऐसा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको इसका ग्रिल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी फ्रंट प्रोफाइल अपनी नई वाली टाटा पंच की। नई इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें 2-3 अपडेट हुए जो कि आपको अंदर के साइड देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या बेसिकली अपडेट हुआ है। तो फॉग लाइट मिल जाता है आपको पूरी, मतलब फ्रंट के साइड ना जितना चीज होना चाहिए ना सब मिल जाता है। प्रोजेक्टर में आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाते हैं, हैलोजन रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, नीचे के साइड आपको फॉग लाइट मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए ना, तो साइड से देख सकते हो गाड़ी अपनी कुछ ऐसी दिखती है। अपोलो को भाई आपको इसमें टायर्स मिल जाते हैं, और जैसा कि ये जो अपना वेरिएंट है ना, इसमें आपको व्हील कवर मिलने वाला है। टायर साइज की अगर बात की जाए तो 15 इंचेज के आपको इसमें टायर्स मिलने वाले हैं। बॉडी कलर में ही आपको इसके ओवरबीम्स मिलेंगे, साथ ही में LED इंडिकेटर मिल जाएंगे। तो चलते हैं थोड़ा उस साइड और गाड़ी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, कि इसके इंटीरियर वगैरह, रियर प्रोफाइल वगैरह सब मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो पैसिव एंट्री का आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाती है। रूफ रेल आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, और ये सब जो वाइजर्स वगैरह है ना, वो आप शोरूम से लगा सकते हो, एज एसेसरीज के किट में लगा सकते हो। रियर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो पीछे से गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है। ये वाला जो LED टेल लाइट है ना, ये जो सिग्नेचर दिया गया ना, काफी अच्छा लगता है देखने में। रात को जब गाड़ी चलती है भाई, तो दूर से समझ में आ जाती है कि अपने टाटा की पंच आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो हैलोजन इंडिकेटर मिल जाता है, बैकलाइट मिल जाती है, नीचे के साइड आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाती है, साथ ही में पीछे के साइड आपको इस वेरिएंट में ना 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बाकी अगर ऊपर के साइड आओगे तो शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर, हाई स्टॉप लैंप, रियर डिफॉगर, और यहाँ पे आपको रियर वाइपर के भी सेटअप देखने को मिल जाते हैं। टाटा का आपका लोगो यहाँ पे मिल जाता है, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, पंच की आपको बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। गाड़ी जो अपनी है ना, टाटा पंच की आपको बैजिंग मिल जाती है। सेफ्टी वगैरह की अगर बात की जाए तो टाटा की गाड़ी है तो सेफ्टी का कोई इश्यू इसमें आने वाला ही नहीं है, मतलब 5-स्टार सेफ्टी रेटेड होती है यार। और यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एक राइनो मिलता है, जो कि टाटा की लगभग सबसे अभी गाड़ियों में मिलता है। बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो देख सकते हो कुछ ऐसा आपको इसमें बूट स्पेस मिलने वाला है, साथ ही में पीछे की साइड आपको कुछ ऐसा पार्सल ट्रे भी दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे भी दिया गया, जो आपको बाहर से नहीं लगवाना पड़ेगा, काफी सही है, टाटा का इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हो बूट स्पेस आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, इसमें आपको CNG भी आ गई भाई, EV भी आ गई है, इलेक्ट्रिक वाली अपनी उधर खड़ी है। बहुत सारे वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलते हैं, पंच में, नेक्सॉन में, दोनों में। नेक्सॉन की आपने ICNG की वीडियो देखी होगी कल, मैंने वो पोस्ट की, नहीं देखी है तो भाई जाके देख लो, बहुत ही सही गाड़ी है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बूट स्पेस मिलने वाला है, साथ ही में इसका जो स्पेयर टायर है ना, वो आपको यहाँ पे नीचे के साइड दिया गया है। तो बूट को करते हैं बंद और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, क्योंकि मेनली जो अपडेट है ना, वो इंटीरियर के साइड ही हुआ है। तो इंटीरियर में भाई एंट्री लेने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे पूरा मिल जाता है, LED इंडिकेटर आपको इसके ORB में मिल जाते हैं। डोर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चारों पावर विंडोज का कंट्रोल्स मिल जाता है, ORBMs के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ ही में यहाँ पे आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक दिया गया। 2 बॉटल होल्डर्स यहाँ पे रख सकते हो, ट्विटर के लिए जगह दी गई है, नीचे स्पीकर के लिए जगह दी गई है। सीट्स की अगर बात की जाए तो देख सकते हो क्वालिटी वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है, गाड़ी को मतलब यहाँ से अपना सीट्स को रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, पीछे करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आपको इस वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलने वाला है, साथ ही में यहाँ पे आपका ये इको वाला हो गया, फिर लाइट को हो गया, फिर यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिल जाती है, AC वेंट आपको कुछ इसमें ऐसे मिल जाते हैं। चलिए इसके इंटीरियर में बैठते हैं और इंटीरियर में एक्सप्लोर करते हैं और इसके चेंजेस के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि गाड़ी अपनी मैनुअल है, तो आपको यहाँ पे इसका 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले चाबी को रखते हैं अंदर और गाड़ी के जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ना, उसे ऑन करते हैं, और आपको मैं इसकी MID दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा आपको इसमें पूरा MID देखने को मिलने वाला है, साथ ही में पूरी डिजिटल दी गई है। ये साइड आपका फ्यूल गेज, टेम्परेचर, स्पीडोमीटर और आपका टैकोमीटर मिल जाता है, बीच में आपको तमाम ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, साथ ही में आपको यहाँ पे लाइट्स के सेटअप मिल जाते हैं, हेडलाइट्स के, यहाँ पे वाइपर्स के आपको सेटअप मिल जाते हैं, जो कि आपके ऑटोमेटिक है।
स्टेयरिंग की अगर बात की जाए तो टाटा का लोगो मिल जाता है, स्टेयरिंग पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल के लिए भी दिया गया, टेलीफोनिक कंट्रोल्स के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए। टाटा का लोगो आपको इसके स्टेयरिंग व्हील पे ही देखने को मिलता है। अगर इसके MID को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे आपको नॉब मिल जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी गाड़ी एवरेज वगैरह क्या दे रही है, क्या इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल वगैरह सब कुछ, टेम्परेचर, एवरेज। जैसे कि अगर अभी एवरेज की बात की जाए तो 13.3 की एवरेज आपको अभी गाड़ी से देखने को मिल रही है, लेकिन गाड़ी काफी सही है, आपको 20 से ऊपर ही एवरेज गाड़ी देगी। फ्रंट लुक इसके देख सकते हो, सामने जो मिरर लगा हुआ है उसमें काफी सही लगती है, गाड़ी काफी ज्यादा सेल होती है। अब जो इसमें जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि 10.25 इंचेस का है, पहले जो आता था वो 7 इंचेस का रहता था। तो कुछ ऐसा आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, यहाँ से आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो, एयर वेंटिलेशन वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नेविगेशन सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ही सही है। रिवर्स कैमरा इस वेरिएंट में मिलता है, तो उसकी भी क्वालिटी एक बार आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा रिवर्स कैमरा मिलने वाला है, पार्किंग सेंसर है तो ये 2-2-2 कर रहा है, जिसे हम लोग बंद करेंगे यहाँ पे। बाकी अगर टेम्परेचर वगैरह इसमें सब कुछ आ जाएगा, मतलब जो जो आपको चाहिए ना, फोन कनेक्ट करो, ये वो फलना ढकना सब आ जाएगा। एसी वेंट आपको इसमें कुछ ऐसे मिल जाता है, ये साइड भी बीच में दो एसी वेंट दिए गए, साथ ही में यहाँ पे हजार्ड के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एसी के कंट्रोल्स की बात अगर की जाए तो यहाँ पे आपको ऑटो एसी का फीचर देखने को मिलता है, यहाँ से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे अपना रियर, फ्रंट, डिफॉगर, एसी, टेम्परेचर, ये वो सब आपको मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, लेकिन वो एक अपडेटेड फीचर है, वो इसके ऊपर वाले वेरिएंट में मिलेगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे अपना बी टाइप अपना लगा सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल आपको गियर बॉक्स मिल जाती है, साथ ही में यहाँ पे जो है ना, ये आपको ऐसा कुछ यहाँ पे पूरा सिस्टम दिया गया, 2 कप होल्डर्स रख सकते हो, पार्किंग ब्रेक आपको मैनुअल दिए गए, आर्मरेस्ट आपको इसमें ऐड कर दिया गया, देख सकते हो काफी सही है अपना, ये बहुत ही सही है, मतलब बहुत लोग बाहर से भी लगवाते हैं। वो साइड भी आपको एक ट्विटर, एक स्पीकर के सेटअप मिल जाते हैं, एसी वेंट मिल जाती है, एयरबैग और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस लोगों को देख के समझ जाना कि मैं नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ट्विटर मिल जाती है, स्पीकर मिल जाती है, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, साथ ही में वाइजर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं है, वो साइड एक मिरर दी गई है। लाइट्स की अगर बात की जाए तो आपको क्या मिलने वाला है, हैलोजन नॉर्मल आपको इसमें IRBM मिलने वाला है। चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल आपने इसका एक्सप्लोर कर लिया है, तो चलते हैं रियर प्रोफाइल में और रियर में जो चेंजेस है वो दिखाता हूँ। पहला अपडेट मैंने आपको दिखा दिया, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि 10.25 इंचेस का ऐड हुआ है। दूसरा अपडेट वायरलेस चार्जर था, जो कि इस वेरिएंट में नहीं है, इसके ऊपर वाले में, ये अपना अकॉम्प्लिश प्लस वाला वेरिएंट है। तीसरा अपडेट है वो मिलेगा कहाँ, पीछे के साइड। तो चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे इसका डोर हैंडल मिलने वाला है, जो कि पंच में स्टार्टिंग से मिल रहा है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई, साथ ही में स्पीकर मिल जाता है। नीचे के साइड आप 2 बॉटल होल्डर्स वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे जो अपना दिया गया वो हार्ड प्लास्टिक के, थोड़ा सा ये ज्यादा गंदा होने वाला है क्योंकि व्हाइट कलर में दिया गया। सिटिंग पोजिशन की अगर बात की जाए तो देख सकते हो काफी अच्छा सिटिंग पोजिशन है, एक जो माइक्रो SUV सेगमेंट बोल सकते हो या कुछ लोग कॉम्पैक्ट SUV बोलते हैं, वो भी चलने वाला है। तो सीट्स को मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ये वाला इसलिए थोड़ा सा मेरे को लेग स्पेस दिक्कत हो जाता है, लेकिन ये सीट से कंपेयर करोगे काफी अच्छा लेग स्पेस मिलने वाला है। साथ ही में अगर यहाँ पे बात की है तो आपको रियर एसी वेंट मिलने वाला है, यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए बी टाइप दी गई है, रियर एसी वेंट, जो कि ये नया फीचर है जो कि इस वेरिएंट में ऐड किया गया है। तो पहली अपडेट मैंने आपको दिखा दी आपका इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया 10.25 इंचेस का, दूसरी अपडेट मैंने आपको दिखा दी इसका जो एसी वेंट हो गया, चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे पीछे अब आपको मिलने वाले है, आर्मरेस्ट भी अब आपको इसमें ऐड कर दिया गया, वायरलेस चार्जर जो कि ऐड किया गया, लेकिन इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वो गाड़ी अगर शोरूम में रहती तो मैं आपको वो भी दिखा देता। तो वो साइड आपको स्पीकर का सेटअप मिलेंगे, ट्विटर के मिल जाएंगे, साथ ही में देख सकते हो पूरा पीछे के साइड कोई भी रीडिंग लाइट वगैरह नहीं है, एक ही रीडिंग लाइट है जो अपनी आगे के साइड दी गई है। तो यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, वो आपको एडजस्ट करना है तो और पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे एक और हेडरेस्ट है, बीच में कोई भी हेडरेस्ट वगैरह नहीं है, आर्मरेस्ट आपको बीच में भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन पार्सल ट्रे मिलने वाला है, जो कि मुझे काफी ज्यादा जरूरी लगता है। तो देख सकते हो ये कुछ पूरा इंटीरियर था अपनी नई वाली टाटा पंच का, फेसलिफ्ट नहीं बोल सकते, अपडेटेड बोल सकते हो, फेसलिफ्ट जब आएगी तो उसकी भी वीडियो बना। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, ये थी अपने सामने नई वाली टाटा पंच, जो कि अपडेट्स हुए थे वो मैंने आपको बता दिया इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, पहला अपडेट, दूसरा वायरलेस चार्जर और तीसरा रियर एसी वेंट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। मिलते फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।